इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम समझेंगे JSON HTML। JSON का बहुत ही आसानी से जावास्क्रिप्ट में उपयोग कर सकते हैं। वेब पेज के अंदर HTML के लिए जावास्क्रिप्ट का उपयोग कर सकते हैं। हमने प्रोग्राम बनाया यहाँ पर, तो यहाँ स्क्रिप्ट टैग के अंदर हमने टेबल का उपयोग किया है यहाँ पर, और ये हमने टेबल नाम की PHP बनाई यहाँ पर, इसको कनेक्ट किया यहाँ पर, और यहाँ पर हमने फार लूप लगा के यहाँ पर, और यहाँ पर ये टेबल को बॉर्डर बना दिया हमने। तो ये हमने बिना CSS के उपयोग कर लिया यहाँ पर। तो इसको हम प्रैक्टिकली में समझते हैं किस प्रकार से इसका उपयोग। सबसे पहले हम यहाँ पर HTML का टैग लिखा हमने, उसके बाद बॉडी टैग लिखा, हेडिंग में लिखा मेक अ टेबल बेस्ड ऑन JSON डाटा, एक ID बनाया डेमो, स्क्रिप्ट टैग में लिखा हमने कास्ट DB परम इक्वल टू DB परम JSON डॉट स्ट्रिंगिफाई टेबल कस्टमर्स लिमिट 20 कास्ट XML HTTP न्यू XML HTTP रिक्वेस्ट XML HTTP अनलोड फंक्शन बनाया हमने यहाँ पर कास्ट माई ऑब्जेक्ट इक्वल टू JSON डॉट पार्स दिस रिस्पॉन्स टेक्स्ट लेट टेक्स्ट इक्वल टू टेबल बॉर्डर 1 फार लेट एक्स इन माई ऑब्जेक्ट टेबल प्लस इक्वल टू TRTD माई ऑब्जेक्ट एक्स अरे बनाया है हमने डॉट नेम TRTD उसके बाद टेबल प्लस इक्वल टू टेबल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID डेमो इनर HTML टेक्स्ट XML HTTP डॉट ओपन पोस्ट यहाँ टेबल पोस्ट कर दी हमने XML HTTP सेंट रिक्वेस्ट हेडर कंटेंट टाइप एप्लीकेशन XWW फ्रॉम URL XML HTTP सेंड कर दी इसको अब हमने यहाँ PHP की फाइल बनाई टेबल डॉट PHP इसका नाम रखा हमने टेबल डॉट PHP यहाँ पर लेस देन क्वेश्चन मार्क PHP लिखा और हेडर में लिखा हमने कंटेंट टाइप एप्लीकेशन JSON कैरेक्टर सेट UTF-8 ऑब्जेक्ट JSON डिकोड और पोस्ट के यहाँ पर हमने एक्स को और फाल्स कर दिया इसको उसके बाद कनेक्ट कर दिया हमने MySQLi को लोकल हॉस्ट रूट पासवर्ड ब्लैंक और डाटाबेस का नाम DB HTML कनेक्ट प्रिपेयर सिलेक्ट नेम फ्रॉम जो हमारी टेबल है उसका नाम है कस्टमर लिमिट उसके बाद HTML बाइंड परम लिमिट एग्जीक्यूट कर दिया रिजल्ट HTML गेट रिजल्ट आउट पी रिजल्ट फेच ऑल MySQLi एसोसिएशन इको JSON इनकोड और सेव कर दिया हमने इसको और डिस्प्ले देखा तो हमें यहाँ पूरी टेबल डिस्प्ले में मिल गई। इस प्रकार ये HTML और PHP फाइल का हम